कुत्ते से अपने बच्चे की तरह प्यार, मौत के बाद 82 साल के बुजुर्ग ने याद में स्थापित की मूर्ति। आइए जानते इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं उनके लिए पालतू कुत्ते एक परिवार की तरह होते हैं। दुनिया में कई बार इंसान और कुत्ते का खास रिश्ता देखा गया है। हाल ही में इसका ताज़ा उदाहरण तमिलनाडु में सामने आया। यहाँ 82 साल के एक बुजुर्ग ने अपने पालतू कुत्ते की याद में उसकी मूर्ति स्थापित की और फूल की माला चढ़ाकर उसकी पूजा की। अपने पालतू कुत्ते के प्रति अनूठा प्यार रखने वाले इस बुजुर्ग का नाम मुथु है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। मुथु ने शिवगंगा जिले के मनामदुरै के पास अपने कुत्ते की मूर्ति को स्थापित किया। बता दें कि मुथु का पालतू टॉम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें जीवंत हैं। मुथु टॉम के साथ बिताए गए हर एक पल को हमेशा ताज़ा रखना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने 80,000 रुपये खर्च कर टॉम की खास मूर्ति बनवाई है, उसे स्थापित किया। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए मुथु ने कहा कि मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा अपने कुत्ते से प्यार है। टॉम 2010 से मेरे साथ था, 2021 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुथु के पुत्र मनोज कुमार ने भी ANI से बात की और कहा कि संगमरमर की इस मूर्ति को 80,000 रुपए की लागत से बनवाया गया था। हम भविष्य में अपने पालतू कुत्ते के लिए एक मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं। हम शुभ दिनों खासकर प्रत्येक शुक्रवार को मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।